चलते हैं आगे की तरफ। सो यस, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमको पढ़ना था दैट इज अबाउट, कि ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है मेटाबॉलिज्म के बारे में। अच्छा, मेटाबॉलिज्म आपने पहले भी पढ़ रखा होगा है ना, केमिस्ट्री में। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, कैटाबॉलिज्म मतलब क्या, एनाबॉलिज्म मतलब क्या। यहाँ पे ऐसा कोई है जिसको ये पता नहीं है, या क्या हम इसको स्किप करके आगे चल सकते हैं अगर सबको मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट पता है तो? यस, इज एवरी वन अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट मेटाबोलिज्म? मेटाबोलिज्म मतलब क्या? सीरीज ऑफ रिएक्शन जो हम सेल में देखते हैं। तो रिएक्शंस, बच्चों बात करो यार, मुझे समझ में नहीं आएगा, फिर ऐसा लगेगा मैं अकेली बात कर रही हूँ, आपने अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो। हाँ वही तो, कैटाबोलिज्म मतलब क्या? ब्रेक डाउन होता है। एंड एनाबोलिज्म मतलब क्या? जिसमें कोई भी चीज का सिंथेसिस होता है। सो कैटाबॉलिज्म कट करना मतलब ब्रेक डाउन होना कोई भी मॉलिक्यूल का। एनाबॉलिज्म मतलब क्या? बनना, सिंथेसिस होना। दैट इज व्हाट द मेटाबॉलिज्म इज कंसिस्ट ऑफ। वही चीज है, यहाँ पे भी वही चीज है। बस यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि जब भी ऐसे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं ना एक पर्टिकुलर रिएक्शन में या फिर एक पर्टिकुलर सेल में, और ऐसा नहीं है ना बच्चों कि एक सेल में एक रिएक्शन हो रही है, नहीं, देर आर सो मेनी रिएक्शन, क्योंकि हमारा सेल इतना ज्यादा काम करता रहता है लगातार, तो हमेशा कभी ना कभी वो बिल्कुल भी नहीं थकता है, कंटिन्यू पे वर्क पे रहता है वो। तो जब ऐसे कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे मेटाबॉलिज्म्स के रिएक्शंस एंड पाथवे किसी पर्टिकुलर रेट पे, तो उसी को हमने कहा है डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब क्या कि सेल जो लगातार खुद को चलाते रहेगा मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू, उसी को डायनामिक स्टेट कहा है। डायनामिक स्टेट मतलब कि कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ बनाना या कुछ ना कुछ तोड़ना, ब्रेक डाउन और सिंथेसिस सिंपली। और ये मेटाबॉलिज्म को कराता कौन है? हमारा एंजाइम। और एंजाइम को हम डिटेल में देखने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो ये जो लिविंग स्टेट है एंड जो ये मेटाबॉलिज्म और ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। 1 मार्क बना तो भी, बट रेयर कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बने। बस इनका पर्पस क्या है कि मेटाबॉलिज्म क्यों होता है सेल में, सो दैट अलग अलग एक्टिविटीज जो है सेलुलर एक्टिविटीज, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस की बात की, अगर रेस्पिरेशन की, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, किसी भी चीज को बनना या जोड़ना, ये सारी चीजें सेल कर रहा है, इसलिए ही हम उसको क्या कहते हैं, सेल को कहते हैं कि इट इज इन अ लिविंग स्टेट। अगर सेल इनमें से कोई फंक्शन परफॉर्म ही नहीं करेगा तो हम उसको लिविंग स्टेट कैसे बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो कैसे कहेंगे? जैसे मान लो अगर आप नींद में हो, ठीक है, तो नींद में हो तो इसका मतलब क्या होता है कि सेल वर्क करना छोड़ देते हैं या नहीं? व्हाट डू यू नो, आपको क्या लगता है कि इफ यू आर इन द स्लीप, नींद में आपके सेल वर्क करेंगे मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस करेंगे या नहीं करेंगे? जनरल क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है, कभी सोचा है कि आप जब सोते हो तो क्या होता होगा बॉडी में? यस, एनीवन, व्हाट हैपन? नो वन, कम ऑन पीपल, स्पीक अप। करेंगे, करेक्ट। तो जब आप सोते हो तो फिजिकली आप रेस्ट पे चले जाते हो, बट सेलुलर लेवल पे सेल हमेशा कोई ना कोई फंक्शन करता रहेगा, हमेशा वर्क वो करता रहेगा। तभी तो हम कहते हैं कि सेल जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। जैसे आप अगर घड़ी देखो ना, पुराने जमाने की जो घड़ियां थी, अभी तो वैसी घड़ियां बनती नहीं है, तो बड़ा ऐसा वॉच होता था और उसके नीचे से पेंडुलम होता था, तो जैसे ऐसे पेंडुलम हिलता हिलता रहता था ना, वो कंटिन्यूअसली सेल पे चलता था, मान लो समझो, ठीक है। बट अगर कुछ देर के बाद सेल खत्म हो जाए या फिर उसकी चार्ज या बैटरी अगर चले जाए, उसके बाद उसको पेंडुलम को चलाना मुश्किल हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम पे आके रुक जाएगा। नाउ इट के नॉट परफॉर्म द वर्क, है ना? वैसा ही है हमारा सेल। सेल अगर रुक गया तब उसको हम लिविंग स्टेट नहीं कह सकते। तो जब आप लिविंग हो, जिंदा हो, मतलब हर एक सेल जो है वो कंटिन्यूअसली वर्क परफॉर्म किए जा रहा है, सो दैट इक्विलिब्रियम को अचीव ना कर पाए, प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। और ये कैसा है, कॉन्स्टेंटली एनर्जी डालनी पड़ती है, मेटाबॉलिज्म लगाना पड़ता है, सो दैट सेल कुछ ना कुछ क्रिया करता रहे, रिएक्शन करता रहे। अगर रुक गया दैट मीन्स यू आर डेड सिंपली। और पता है बच्चों, एक बहुत सही बात ये भी है कि जब
ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट बता रही हूँ फॉर इंफॉर्मेशन, जब कोई इंसान मरता भी है ना तो इमिडिएटली सारे सेल रुक जाते हैं, ऐसा नहीं, धीरे धीरे एक एक सेल, एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन धीरे धीरे स्लोली स्लोली स्लो डाउन होता है, रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शन स्लो डाउन होते हैं, एंड देन आफ्टर 4 to 5 आवर्स तब जाके पूरी बॉडी शट डाउन हो जाती है, ऑफ हो जाती है, ठीक है। हाँ, बीटिंग ऑफ योर हार्ट बीट, वो जो होता है पल्स रेट, वो एट द फर्स्ट मोमेंट ही रुक जाएगा जब हम डेड क्लेम करते हैं बॉडी को, बट उसके बाद फिर भी सेल चल रहा है, क्योंकि जो जो कोई भी थोड़ी बहुत एनर्जी बनाई रखी थी सेल ने जब जिंदा थे तब, उसपे कुछ घंटों तक चल जाएगा एंड देन इट विल गेट शट डाउन, करेक्ट। हाँ, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि कभी कभी मेटाबॉलिज्म एंड लिविंग स्टेट आर सिनोनिम्स, मतलब क्या, मेटाबॉलिज्म चल रहा है तभी सेल लिविंग है, और सेल लिविंग है मतलब बाय डिफॉल्ट वहां पे मेटाबॉलिज्म जो है वो चला रहा है। तो मेटाबॉलिज्म क्या करता है, कॉन्स्टेंट वर्क करते रहता है, एनर्जी डालते रहता है ताकि लिविंग सेल जो है वो इक्विलिब्रियम को अचीव ना करे, इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया तो सेल वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव, यही चीज है यहाँ पे बस। एंड देन आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंजाइम्स। पीपल, मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि यहाँ पे अगर कहीं पे भी कौन से भी मोमेंट पे आपको लगता है कि ये मैम समझ में नहीं आया, मेक मी स्टॉप इमीडिएटली। ओके, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, एंजाइम्स किससे बने हैं, व्हाट मटेरियल क्या है, या फिर बेसिक चीज क्या है एंजाइम का, बेसिक कंपोनेंट, ये मैंने आपको सिखाया है, अगर ध्यान दिया होगा कहीं। रुक जा, मैं दिखा दूंगी आपको। यस, कहाँ है वो प्रोटीन्स, बहुत पीछे है शायद, ठीक है, बहुत पीछे जाना पड़ेगा मुझे। ओके फाइन, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम देयर, करेक्ट। हाँ, किसने क्या, हरदीप, हरदीप, दैट इज वेरी करेक्ट। सो मैंने आपको प्रोटीन सिखाते वक्त कहा था कि प्रोटीन्स काम करता है हॉर्मोन्स का, प्रोटीन्स काम करता है एंजाइम्स का, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, ऐसे बहुत अलग अलग फंक्शंस होते हैं प्रोटीन्स के, उनमें से एक है हमारा एंजाइम। तो एंजाइम्स का नेचर क्या है, वो बने हैं किस चीज से, नेचुरली प्रोटीन से, मतलब अमाइनो एसिड से, बट अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटीन का एंजाइम वाला रूप, जो एंजाइम वाले फंक्शंस करने वाले वो। सो एंजाइम्स होते क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसको सिंपली वो एनहांस करेंगे, और ये कैसे करेंगे, बाय लोवरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बोर्ड के क्वेश्चंस तो बहुत बार ही बने हैं। ये ऐसी सिंपल एनर्जी है जो कभी भी अगर दो मॉलिक्यूल्स को साथ में आके जब कोलाइड करते हैं या रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी आप फिजिकल टर्म में बोल सकते हो, फिजिक्स भी कहते हो ना काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक हो गया, पोटेंशियल हो गया बच्चे, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी होगी टू इनिशिएट अ रिएक्शन, एंड इस एक के पास जो मिनिमम एनर्जी होगी रिएक्शन को करके बी में कन्वर्ट होने की, ये क्या है मेरा रिएक्टेंट, यहाँ पे मैं रिएक्टेंट नहीं कहूंगी, सबस्ट्रेट कहूंगी, और ये है मेरा प्रोडक्ट। तो जो कम मात्रा की या फिर जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये कब की बात हुई, जब यहाँ पे एंजाइम ना हो तब, बट अगर इसी रिएक्शन में मैंने एंजाइम को डाल दिया तो ये क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी है मतलब जो भी एनर्जी इस मॉलिक्यूल को यूज करके वो कन्वर्ट हो रहा था प्रोडक्ट में, और मान लो वो करने के लिए उसको कुछ घंटे लग रहे थे, जो भी एनर्जी है उसके पास वो यूज करके उसको बहुत घंटे लग रहे थे वहां पे प्रोडक्ट बनाने के लिए, एंजाइम ने क्या किया, उस एनर्जी को कम कर दिया और अपनी तरफ से एनर्जी लगा के अपनी तरफ से उसने प्रोडक्ट को झट से कुछ सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। तो कुछ इस तरह से होता है एंजाइम का रोल। और एक बात ध्यान रखना कि जब ये एंजाइम ऐसा काम करेगा ना एक्सिलरेशन ऑफ रेट का, तब वो खुद को कभी भी चेंज नहीं करेगा, मतलब ए प्लस एंजाइम जब जुड़ते हैं ए एंजाइम के साथ, प्रोडक्ट तो बी बनेगा, बट उसके दौरान ऐसा नहीं होगा कि एंजाइम ने खुद को चेंज कर लिया या उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ गया हो, नो। एंजाइम क्या है, प्रोटीन से बना है, एंड प्रोटीन्स एक्टिव कब रहेंगे, उसके टर्शरी स्ट्रक्चर में, यू रिमेम्बर मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर एक्टिव इन टर्शरी स्ट्रक्चर, तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम का रिटेन रहेगा ताकि जब प्रोडक्ट बन गया
फिर से यहाँ पे एंजाइम फ्री हो गया टू गो एंड स्टार्ट नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है, दैट इज व्हाट एंजाइम का काम होता है. सो कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, प्रोटीन हमें पता है, ऑलिगोडायनामिक मतलब क्या कि स्मॉल डोज भी बहुत सफिशियंट होता है मिलियंस ऑफ रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए. तो देखो कितनी खूबसूरत सी बात है. और एक बात क्या है पता है, ऐसा नहीं है कि ये कोई एक्स एंजाइम है, इसने ये पहले वाले रिएक्शन को कैटालाइज कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया. नो, देन दिस विल गो टू सेकेंड रिएक्शन, सेम ही रिएक्शन ना, मतलब ए टू बी वाले रिएक्शन अगर एक्स कैटालाइज कर सकता है तो ये प्रोडक्ट बन के छूट गया, फिर ये जाएगा नेक्स्ट दूसरे वाले ए की तरफ. ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत से ए घूम रहे होंगे, तो उन सबको कैटालाइज करना होगा. और एक चीज भी होती है कि एंजाइम कोई भी सब्सट्रेट को जाके बाइंड नहीं हो सकता. जैसे अगर मुझे अगर मैं कोई पॉलीसेकराइड ले रही हूँ, ठीक है, तो पॉलीसेकराइड में अगर मैं स्टार्च फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दो ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, स्टार्च ले रही हूं मैं पॉलीसेकराइड, अब मुझे इसको तोड़ना है क्योंकि अब जब रोटी खाते हो तो आपको क्या मिलता है, पॉलीसेकराइड मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है. कार्बोहाइड्रेट जब खाओगे डाइजेशन होगा, ब्रेक डाउन होगा, तब जाके उससे एनर्जी मिलेगी, और ये सारे काम के दौरान एंजाइम हेल्प करेंगे. तो स्टार्च को जब ब्रेक डाउन हो जाएगा उसके मोनोमर में मतलब ग्लूकोज में, तब अमाइलेज नाम का एंजाइम एक्ट करता है टू ब्रेक द स्टार्च. स्टार्च के अल्फा ग्लूकोज से बना है ना स्टार्च, याद है, स्टार्च अल्फा ग्लूकोज से बना है, सेलुलोज बीटा ग्लूकोज से बना है. तो जो वो जब वो ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में जो 1,4 लिंकेज है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ते जाएगा ये अल्फा अमाइलेज, तब वहां से ग्लूकोज रिलीज होके जाएगा एंड ग्लूकोज जैसे जैसे रिलीज होगा उससे एनर्जी बनेगी. तो ऐसे एक रोटी में एक ही स्टार्च होता है क्या? नहीं, एक रोटी में न जाने कितने गेहूं है, कितने सारे स्टार्च मॉलिक्यूल्स है. वैसे मैंने 2 से 3 रोटियां खा ली तो कितने सारे स्टार्च मॉलिक्यूल है. तो ऐसा एक अमाइलेज इन सारे स्टार्च मॉलिक्यूल को अकेला कन्वर्ट कर सकता है. इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल डोज जो है वो सफिशियंट है बहुत सारे रिएक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए. अब मैंने यहाँ पे बात कर ली अमाइलेज की, वैसे अगर कोई मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लू लाइपेज, बट लाइपेज जो है वो लिपिड्स के ऊपर काम करेगा, तो ये जरूरी नहीं कि ये आके यहाँ पे जुड़ जाए. नो, क्योंकि स्पेसिफिसिटी, हर एंजाइम उसके सब्सट्रेट को लेके स्पेसिफिक होता है. जैसे हर ताले की एक ही चाबी होगी, कोई भी चाबी से कोई भी ताला नहीं खुल सकता, ऐसे कोई भी एंजाइम कोई भी सब्सट्रेट को नहीं लग सकता, बहुत स्पेसिफिक है वो एक दूसरे को. अमाइलेज स्टार्च को ही तोड़ेगा, अमाइलेज सेलुलोज को जाके नहीं तोड़ सकता, भले ही सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट हो बट सेलुलोज को तोड़ेगा सेलुलेज नॉट अमाइलेज, ठीक है. ऐसे हर एक मॉलिक्यूल का हर एक स्पेसिफिक एंजाइम है, एंड छोटी मात्रा में भी ये एंजाइम क्या करेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं. अब ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, जनरली उनके स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने अभी क्या कहा कि एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, मतलब उनका टर्शरी स्ट्रक्चर होगा जो ऐसे 3D व्यू बनाता है. उस दौरान ना कुछ ऐसे पॉकेट लाइक या क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको कहा है एक्टिव साइट. अब इनकी क्या जरूरत पड़ गई, ऐसा कुछ कर्व या पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर की जिसके अंदर जाके कुछ फिट हो सके, ऐसा कुछ एंजाइम है तो इसके अंदर ऐसा कुछ फिट हो सके, कुछ मतलब क्या, यहाँ पे सबस्ट्रेट. तो ये एक्टिव साइट इसलिए स्पेसिफिक है क्योंकि यहाँ पे ही सबस्ट्रेट जुड़ सकता है. जैसे अगर स्टार्च अगर अमाइलेज के साथ जुड़ना चाहेगा तो अमाइलेज का एक्टिव साइट उसको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ताला जब खोलना है तो ताले के पास वो जो होल होता है चाबी डालने का, उधर ही डालना पड़ेगा ना, आप कहीं से भी चाबी डाल सकते हो क्या? यू कैन नॉट. वैसे ही एंजाइम को भी आप सब्सट्रेट कहीं से भी नहीं जोड़ सकते, उसका एक साइट होता है एक्टिव साइट, वहां पे कुछ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस होगा जो सब्सट्रेट के साथ बॉन्ड बना के सब्सट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा. वहां पे कुछ कुछ बॉन्ड्स का ब्रेकिंग एंड मेकिंग होगा एंड तब जाके वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में. तो दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज. एंड देन ये बोला है लास्ट में कि एंजाइम जो है एक तो वो थर्मल स्टेबल होना चाहिए. मतलब अब क्या है, हम लोग एंजाइम्स को पढ़ रहे हैं यहाँ पे बायोलॉजी में एज अ कैटलिस्ट, बट जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, एंजाइम क्या है बच्चे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कार्बन का कंपाउंड है ये, बट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट मतलब कोई मेटल आयंस हो गया, ये सारे है थर्मल स्टेबल, क्योंकि
टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे ना तो भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, बट टेम्परेचर अगर सेल में बढ़ गया तो एंजाइम को फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है एंजाइम का वो टूट जाएगा, उनके बीच में जो बॉन्ड्स बन के अमाइनो एसिड ने जोड़ के रखा था वो टूट जाएगा। इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी होना इम्पोर्टेंट है। इसके साथ भी और बहुत सारे फैक्टर्स है जो एंजाइम के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, हम इस चैप्टर के एंड में वो भी पढ़ेंगे, एंजाइम का वो लास्ट कॉन्सेप्ट वो भी है, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। करेक्ट। तो अगर आपने कभी नोटिस किया है बच्चे कि मान लो किसी को बुखार आया है, अब बुखार के दौरान क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो है वो बॉडी का रेज हो जाएगा, आप वीक फील करने लगते हो, है ना, यू डू नॉट फील हंग्री, भूख नहीं लगेगी। मतलब क्या हो रहा है, बुखार आया एक चीज है, वो है डिफेंस, जो भी आपको इन्फेक्शन हुआ हो बैक्टीरिया का वायरस का उसके अगेंस्ट बॉडी फाइट कर रही है, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर हाई हो चुका है ताकि वो बैक्टीरिया फिर वायरस को मार सके। बट साइड बाय साइड बॉडी पे क्या असर हो रहा है कि बॉडी का भी खुद का मेटाबॉलिज्म कम होने लग गया, स्लो होने लग गया, क्योंकि एंजाइम्स पे वो टेम्परेचर का असर पड़ गया, टेम्परेचर का असर जो है वो एंजाइम पे पड़ गया, इसलिए मेटाबॉलिज्म ओवरऑल स्लो हो जाती है, वीकनेस आ जाएगा आप में, भूख नहीं लगेगी। तो ये सारे चीजें समझने वाली बात है। आपको पता चल सकता है कि आपके अंदर बॉडी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। जब भी आप बीमार हो रहे तो सोचना कि हाउ द बॉडी इज रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब देखते हैं, ये समझ में आ गया कि लिविंग स्टेट मेटाबॉलिज्म, आई थिंक क्लियर ही है सबको व्हाट इज लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म। देन हमने एंजाइम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, बट उसमें एक्टिव साइट के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। 1 मार्क क्वेश्चन बहुत बार बना है कि व्हाट इज एक्टिव साइट, तो वह ऐसा साइट है एंजाइम का जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है, तो कभी कभी उसको सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट भी कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट एज सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट सिंपली, तो भी सही रहेगा, कुछ गलत नहीं है। और यही पे ही सबस्ट्रेट बाइंड हो सकता है, किसी और जगह पे सबस्ट्रेट कभी बाइंड नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं चलेगी, पता है, रिएक्शन विल नॉट ऑकर एट ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताया है, सी व्हेन टू मॉलिक्यूल्स हैव टू कोलाइड फॉर द रिएक्शन, तब क्या होता है, कुछ सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। अच्छा, मुझे किसी ने बताया नहीं कि वो क्या टर्म है, काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, जो ओरिजिनल एनर्जी होती है रिएक्टेंट्स की मॉलिक्यूल्स के अंदर, टू इनिशिएट एनर्जी, व्हाट डू यू कॉल इट, बताओ कोई, थोड़ा हमें भी समझाओ। यस, मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया। इन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू जो मिनिमम अमाउंट होगी एनर्जी होगी किसी भी सब्सटेंस में एट अ पर्टिकुलर टाइम या स्टेट, उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, कोई भी नहीं बता रहा यार, मतलब किसी को पता ही नहीं है ना। नो वन, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, जो मिनिमम एनर्जी लगती है जो स्टार्ट होने के लिए। काइनेटिक एनर्जी तो तब अप्लाई होगा जब मोशन में आ जाएगा कोई चीज, मतलब जितना फिजिक्स मुझे याद है। तो यहाँ पे जब हम बायोलॉजी में बात करेंगे तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी ना कह के एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा इसको ना हम इस ग्राफ के मदद से समझेंगे एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को। ये आपका एनसीईआरटी का ही ग्राफ है बच्चे, उसी में से थ्योरी मैं आपको सिखा रही हूँ, ताकि ऐसे ही पॉइंट्स आपको लिखना है जब बोर्ड्स में पूछा जाएगा, यू हैव टू राइट इन द सेम वे, यहाँ पे बोर्ड्स के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, नीट का क्वेश्चन एक्टिव साइड पे बनेगा, एक्टिवेशन एनर्जी पे मैंने अभी तक कभी देखा नहीं है, बस ऐसा पूछा गया था कि एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट करके कैसा रोल प्ले करते हैं, हाउ डू दे एक्ट एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, तो सिर्फ इतना बोलना था कि बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके वो प्ले करते हैं रोल एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, देखो समझाने का यहाँ पे ये पॉइंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर यहाँ पे देखोगे वाई एक्सिस पे है पोटेंशियल एनर्जी सब्सट्रेट की, एंड एक्स एक्सिस पे लिया है रिएक्शन का प्रोग्रेस प्रोडक्ट को कन्वर्ट होने में, मतलब ये कोई मेरा एक सब्सट्रेट है, मैं इसको सिर्फ एस करके लिखूंगी, और इसके साथ यहाँ पे अभी कुछ नहीं जुड़ रहा है, देर इज नो एंजाइम, तो ब्लैंक।
एंड ये बना रहा है कोई बी नाम का प्रोडक्ट, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, प्लीज पे अटेंशन ओके। अब क्या होगा जब यहाँ पे कोई भी एंजाइम एप्लीकेबल नहीं है, सीधी सीधी रिएक्शन चल रही है, मीन्स विदाउट एनी एंजाइम, तो हो सकता है कि ये रिएक्शन बहुत टाइम ले ले एंड बहुत एफर्ट ले ले। जैसे सपोज मेरी गाड़ी जो है वो बीच रास्ते में खराब हो गई, ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उतर के मेरी जो भी एनर्जी है वो लगा के गाड़ी को धक्का दे के मुझे लेके जाना पड़ेगा गैराज में, ठीक है। अब जब मैं गैराज तक जा रही हूँ मेरी सिर्फ अकेले की खुद की एनर्जी से, तो थोड़ा बहुत देर तो लगेगा, है ना, जा तो जाऊंगी मैं, ऑफ कोर्स मेरा जो एंड है, डेस्टिनेशन है गैराज पे जाना, वो तो करेगा ही करेगा, बट थोड़ा मे भी हो सकता है टाइम ले ले। बट अगर इस दौरान ऐसा हो गया कि मेरे किसी दोस्त ने आके मुझे हेल्प कर दी गाड़ी को पुश करने में, मेरी एनर्जी मेरा एफर्ट थोड़ा कम लगेगा अब, क्योंकि मुझे एक साथी मिल गया है, दोनों ने गाड़ी पुश करके झट से कुछ कम टाइम में हमने गैराज पहुंचा दिया। ऐसा ही काम करता है हमारा एंजाइम, दोस्त का काम करता है। उसने क्या किया, हमारे जो प्रोडक्ट्स, हमारे जो सब्सट्रेट थे, उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो ज्यादा थी, क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते थे कन्वर्ट होने में, क्योंकि जो यहाँ पे ए वाला सबस्ट्रेट है वो क्या होगा, ए डैश देन ए टू ए थ्री, ऐसे बहुत सारे इंटरमीडिएट, क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट्स में जा जाके फिर वो बी बन रहा था, एंड बहुत सारे एनर्जी भी यहाँ पे लग रही थी। देखो ये वाला रेड वाली लाइन जो है ना, ये बिना एंजाइम के एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, जैसे ही हमारे दोस्त ने क्या किया, टेक ओवर कर लिया, तो उसने क्या किया, जल्दी से बी में कन्वर्ट कर लिया, सी द पिंक लाइन, जहां पे देख रहा है आपको एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई है, घट चुकी है, इतना एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस जो है वो कम हो गया, एंड नाउ प्रोडक्ट जो है वो जल्दी बन रहा है। बट दोनों लाइन में सेम क्या है कि अल्टीमेटली दोनों भी प्रोडक्ट बन ही रहे हैं, रेड वाली लाइन मतलब विदाउट एंजाइम भी प्रोडक्ट बन ही रहा था, विद एंजाइम भी प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, बट फर्क यहाँ पे टाइम का है, समझ रहे हो, कि कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके जल्दी से प्रोडक्ट। जल्दी से प्रोडक्ट जो है वो बन गया। और ट्रांजिशन स्टेट मतलब क्या, हम आप लोग ऐसा फिजिक्स में वगैरह पढ़ते होंगे ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, मतलब वो ऐसा स्टेट जहाँ पे वो ना ग्राउंड स्टेट पे ना कहीं पे है, वैसा ही सबस्टेट भी प्रोडक्ट को अंदर पूरा कन्वर्ट होने के बीच में की जो उसकी स्थिति होगी ना, कि वो अभी तक पूरा सबस्टेट भी नहीं है, पूरा प्रोडक्ट भी नहीं बना है, उस कंडीशन को हम ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे, जहां पे वो अपनी एनर्जी लगा लगा के आगे बढ़ते जा रहा है रिएक्शन के दौरान, दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। सिंपल, इलेक्ट्रॉन्स का भी ट्रांजिशन स्टेट होता है, पता है ना। हाँ नहीं बच्चे, ट्राई टू इंटरेक्ट विद द मैम और सर, जो भी टीचर्स है, क्योंकि आप जितना इंटरेक्ट करोगे उतना हमें भी समझ में आएगा कि आपको कितना समझा है क्या नहीं समझा है। ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए क्लास ना ज्वाइन किएगा, ऐसा लगेगा कि मैं फिर दीवार को पढ़ा लेती हूँ, आपको क्या ही पढ़ाऊँ, है ना, दीवार भी देखे जा रहे हैं मुझे, है ना। सो बी इंटरैक्टिव, बी कनेक्शन बनाओ अपने टीचर्स के साथ। यस, तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। एंड कोई भी बीच में अभी लीव ना कीजिएगा, मुझे एक दो चीजें बात करनी है इम्पोर्टेंट बिफोर आई डिस्कनेक्ट द क्लास, सो मेक श्योर कि आप अभी ही क्लास को छोड़ के ना जाए बीच में। ओके, अब हमने क्या देखा, पहले मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को देखा, अब देखते हैं कि वो मैकेनिज्म जो है एंजाइम के साथ कैसा ये हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बनता है, ट्रांजिशन स्टेट्स क्या क्या है, इसकी क्या क्या स्टेप्स है। तो बेसिकली दो स्टेप में होगा, लेट्स सी। पहला क्या होगा कि देयर इज अ कंबाइनिंग ऑफ एंजाइम एंड सब्सट्रेट, मतलब मैं स्टार्च का ही एग्जांपल ले लूं, चलो स्टार्च का एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा सब्सट्रेट है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अमाइलेज के साथ जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, ये मेरा एंजाइम है, यस, अमाइलेज एंजाइम पे स्टार्च कौन से जगह पे जुड़ेगा, क्विकली विच पॉइंट विल द स्टार्च बी जॉइंड ऑन द अमाइलेज एंजाइम, करेक्ट। तो इसके एक्टिव साइड पे अब जुड़ते ही क्या हो जाएगा,
बीच बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर बॉन्ड्स का तोड़ना एंड जोड़ना हो जाएगा, ब्रेक एंड मेक ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, जो भी उसको बनाना है, क्योंकि स्टार्च को तोड़ तोड़ के, अभी तो यहाँ पे ब्रेकिंग होगा क्योंकि तोड़ तोड़ के उससे ग्लूकोज बनना है, तो जब ये चीजें चलती रहेगी ब्रेकिंग एंड मेकिंग, उस दौरान क्या हो रहा है, Se+S कॉम्प्लेक्स बन गया, मतलब सेकेंड स्ट्रक्चर क्या हो गया, ES कॉम्प्लेक्स, ये दोनों एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, इसको कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ES कॉम्प्लेक्स। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे सबस्ट्रेट बदलते जा रहा है प्रोडक्ट में, तो अब हम कहेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स EP, ES क्या हो गया, बदल गया EP में, बट प्रोडक्ट हुआ है फिर भी अभी तक वो एंजाइम से जुड़ा हुआ है, फ्री नहीं हुआ है। देन कुछ देर के बाद जब कंप्लीटली प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर E+P, मतलब एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट से कंप्लीटली फ्री हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट से पूरी तरह से हट जाएगा, ताकि एंजाइम फिर से फ्री हो जाए एंड दूसरे स्टार्च मॉलिक्यूल्स की तरफ जाके फिर से रिएक्शन को इनिशिएट करे। तो कैसे हमने देखा कि लेट्स राइट इट हियर, ई से स्टार्ट हुआ एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, बनाया ES कॉम्प्लेक्स, फिर ES कॉम्प्लेक्स से बना EP कॉम्प्लेक्स, EP कॉम्प्लेक्स से बना E+P। तो ये हो गए बीच में के ट्रांजिशन स्टेट, लेट्स से कि ES एंड EP क्या बन गया, ट्रांजिशन स्टेट बन गया, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ई एन एस तो है यहाँ पे, जिनकी वो एनर्जी को वो लोअर डाउन करके ट्रांजिशन स्टेट से हटा के फिर वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में लाके कन्वर्ट कर रहे थे, तो दैट इज हाउ इट गोज। सी, अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है माल्टोज का, सी माल्टोज एग्जाम्पल, माल्टोज भी एक, माल्टोज क्या है, इज माल्टोज, ठीक है, माल्टोज कार्बोहाइड्रेट है, ये मैं ही बता देती हूँ, माल्टोज मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है या ट्राइसैकेराइड, अगर जो मैंने नोट्स भेजा है उसको पढ़ा होता, या कम से कम एनसीईआरटी भी पढ़ेगी ना, पढ़ा होगा ना आपने, तो ये डेफिनेटली आंसर करोगे आप मुझे, माल्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये मैंने बता दिया, तो मुझे फिर से वही आंसर ना चिपकाओ। वेरी गुड बिमला, वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव, यस डाइसैकेराइड है, अगर किसी ने ध्यान दिया होता ना तो यही से पता चलता है कि दो यूनिट से बना है वो। सी माल्टोज जो है एक, अगर कोई सब्सट्रेट है तो उसका एंजाइम माल्टेज होगा, जनरली एज लगता है किसी भी चीज के पीछे, एज लग गया ना, ASE, मतलब वो एंजाइम है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसकी एक्टिव साइट देखो कितनी स्पेसिफिक है, अगर यहाँ पे अपने स्टार्च डालने की कोशिश करूंगी ना तो यहाँ पे स्टार्च नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल, स्टार्च का मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर और इस एंजाइम का एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर अलग है, अगर स्टार्च ऐसा है तो उसका एंजाइम का स्ट्रक्चर पता है ऐसा ही होगा, ताकि ये स्क्वायर शेप इसमें फिट हो जाए, अगर स्टार्च ऐसा है और आप कोई ऐसे कर्व में फिट करने की कोशिश करोगे ना, वो फिट नहीं होगा, उतनी उसकी स्पेसिफिसिटी होती है, क्योंकि आप इमेजिन करो ना, ये सारी चीजें सेल में हो रही है, अब एंजाइम के पास थोड़ी ना पता होता है कि मुझे कौन से मॉलिक्यूल, हमारे पास दिमाग है, उनके पास दिमाग नहीं है, तो ये सारी चीजें ना कोलाइड होती रहती है, मतलब एक दूसरे के साथ बम्प करते करते रहेंगे, ट्रायल एंड एरर जैसा, कि देख लो जैसे आप मॉल में जाके ड्रेस पहन पहन के देखते हो ना मुझे कौन सा आ रहा है, वैसे ही कुछ होता है, पता है, बहुत रैंडम चीजें चलती है ना, क्योंकि कैसा पता चलेगा, इतने सारे सेल्स में कितने सारे बायो मॉलिक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, और रोटी में सिर्फ स्टार्च ही नहीं आएगा, फाइबर भी आएगा, और भी कुछ कुछ आएगा, ग्लाइकोजन भी आएगा, तो उसके अमाइलेज वाले एंजाइम को कैसा पता चला कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ वो स्टार्च ही है, हो सकता है वो गलती से किसी और मॉलिक्यूल के पास जाए, वहां पे उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, छूट जाएगा, जब तक वो स्टार्च से नहीं जुड़ेगा, ये ट्रायल एंड एरर करते रहेंगे, जब तक आपको फिटिंग वाला ड्रेस नहीं मिलेगा, आप ढूंढते रहोगे, पहन के देखते रहोगे, वैसे ही सारे बायो मॉलिक्यूल्स का भी होता है, और ये सही चीज है, ऐसा ही होता है मेटाबॉलिज्म में, उनके पास आंखें भी नहीं है ना कि वो ढूंढ के चले जाए कि भाई अच्छा मेरा सब्सट्रेट यहाँ पे है, ऐसा भी नहीं है, सो यू थिंक, सोचो बच्चों कि ये सेल को कैसा पता चल गया, इस एंजाइम को कैसा पता चल गया कि मुझे किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है, तो देखो कुदरत ने कितना स्पेसिफिक करके रखा है, स्टार्च अमाइलेज को ही पकड़ेगा, स्टार्च माल्टेज को नहीं पकड़ सकता, वैसे ही प्रोटीन, अभी पेप्टाइड बॉन्ड है,
प्रोटीन्स को अगर पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना है तो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने वाला प्रोटीन लाइगेज भी है, फिर कौन सा है वो प्रोटीन को तोड़ने वाला, यार अच्छा याद नहीं आ रहा है, आगे है तो डाइपेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज कहते हैं उसको, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने वाला। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ने वाला जो पेप्टाइडेज है उसको कैसे पता चला कि मैं प्रोटीन को ही पकड़ रहा हूँ या कार्बोहाइड्रेट को पकड़ रहा हूँ, है ना? इसलिए स्पेसिफिसिटी जो है वो बहुत जरूरी है। ओके, सो द होल कैटलिस्ट एक्शन ऑफ एंजाइम कैसा होगा, मतलब पूरा एंजाइम का एक्शन आप समराइज कर सकते हो। ई प्लस एस इनिशियल स्टेज में, ई एस उनका पहला कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर अब यहाँ पे जब बॉन्ड्स मेकिंग या ब्रेकिंग होगी, सब्सट्रेट बन गया है प्रोडक्ट में, बट अभी तक दोनों छूटे नहीं है एक दूसरे से, यहाँ पे एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों छूट जाएंगे, नाउ एंजाइम वुड बी फ्री मॉलिक्यूल टू स्टार्ट डिफरेंट रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर? अच्छा मैं अगर फास्ट जा रही हूँ तो भी बता दो। गुड इवनिंग, वॉट अबाउट द अदर पीपल, कितने लोग हैं इस क्लास में? ओनली विमला इज रिप्लाइंग, मुस्कान, सोनिया, क्रांति, वॉट अबाउट यू गाइस? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपकी अटेंडेंस इतनी कम क्यों है बच्चे? लाइक आपके फ्रेंड्स अगर आप पूछते हो उनको, क्या उनको पता है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं? व्हाट इज द रीजन ऑफ नॉट ज्वाइनिंग द क्लासेस? क्योंकि इनिशियल में तो 4 से 5 में ज्यादा बच्चे होते थे, अभी क्यों इतना कम हो गया है? व्हाट हैपेंड? हाँ ओके, थैंक यू मुस्कान, थैंक यू सोनिया। यस, मेरा इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, सॉरी, कि क्या हो गया है, बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे क्लासेस को, बहुत ही अटेंडेंस कम होते जा रहा है डे बाय डे। कैन एनीबॉडी टेल मी कि ऐसा क्यों हो रहा है? सी, इतने हफ्ते, मतलब पिछले हफ्ते तो आप बता रहे थे कि सीटी का एग्जाम है, वो तो हो गया अभी सीटी का एग्जाम, है ना? अभी बेस लाइन टेस्ट है वो तो 21 को है, कल नहीं परसों, 2 दिन बाद। अच्छा तो ऐसा हो रहा है क्या सोनिया, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्यूशन कोचिंग एंड अवंती वाला टीचिंग? आपको पता है कि क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हैं बच्चे? यहाँ पे ऐसा क्या होना चाहिए और एडिशन, ताकि आपको और थोड़ा ऐसा लगे कि भाई जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है? मैं फ्रैंकली पूछ रही हूँ क्योंकि पता भी होना चाहिए ना हमें टीचर्स, क्योंकि हम भी एफर्ट डालते हैं आपको पढ़ाने के लिए, हर एक का नाम ले लेके वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सबको समझा है या नहीं। इतनी मेहनत तो शायद आपके स्कूल में भी नहीं करते होंगे, मुझे नहीं पता, मैं कमेंट नहीं करूंगी, बट एज अ टीचर हमें भी लगता है कि अरे हम बच्चों पे इतना मेहनत ले रहे हैं तो उनसे भी कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए। आपकी बात नहीं कर रही हूँ बट जो भी आपके फ्रेंड्स है, कि क्या फर्क महसूस होता है उनको इन वाले जो भी स्टडीज मेथड्स है और दूसरे वाले स्टडी के मेथड्स में, मेथोडोलॉजी जो भी है, सिखाने का तरीका जो भी है? तो यू कैन, यू पीपल कैन जस्ट हेल्प मी, जैसे आप लोग सारे लड़कियां ही हो गया, मुस्कान, सोनिया, हरदीप, नहीं हरदीप इज अ बॉय आई गेस, विमला, आप लोग मुझे एक हेल्प कर सकते हो कि प्लीज आपके जो भी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं उनको एक बार पूछ के देख लो एंड टेल मी बाय नेक्स्ट क्लास कि व्हाट इज द रीजन ऑफ नॉट ज्वाइनिंग। अगर टाइम इश्यू है तो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, वैसे भी बैचेस का सेग्रीगेशन होने ही वाला है, एंड कभी कभी अगर किसी को लग रहा है कि नहीं बहुत फास्ट जा रहा है, बहुत स्लो जा रहा है, कंटेंट थोड़ा सा हाई चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो दिस विल गेट सेग्रीगेटेड जैसे बैच ठीक से बन जाएगा। ये भी बात सही है सोनिया, दैट इज ऑल्सो ट्रू कि बहुत लोगों को ऑफलाइन आता है, बट पता है ना मेरा ना एक मानना है, सी पहले जमाने में वो ऑफलाइन का मेथड था, तरीका था, ट्रेडिशनल तरीका, कि हम भी ट्यूशन्स को जाके ही पढ़ते थे, एंड वो ना है एक मेंटल माइंडसेट भी है कि जब आप हाथ में बहुत सारे किताबें देखोगे, बहुत सारा कंटेंट देखोगे, तभी आपको लगेगा कि हाँ मुझे बहुत कुछ मिल गया पढ़ने के लिए, बट क्या आपने सोचा है कि वाकई में आपकी पढ़ाई होती है? आपको, मैंने 4 सब्जेक्ट्स का पीसीएमबी का नोट्स थमा दिया, क्या पॉसिबिलिटीज है कि आप उसको खोल के पढ़ के खुद से कुछ उसको करो? हाँ बहुत ही सिंसियर बच्चा है, पहले से ही सिंसियर है तो वो कर भी लेगा, बट एवरेज बच्चों का क्या, हिंदी मीडियम से आने वाले बच्चों का क्या, जो भी है ना? तो ऐसा कभी भी आप खुद को इस
सिनेरियो में ना रखिएगा कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल गया, बहुत सारा कंटेंट मिल गया और तो बस मैं दैट इज सेटिस्फाइड। नहीं, उसको समझने का भी एक चांस होना चाहिए, उसको कैसे समझना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, वो भी एक तरीका है। सो आई थिंक कि उसको भी फॉलो करना चाहिए, ना कि सिर्फ कंटेंट। अभी तो क्या हो गया, पहले जमाने में तो AIPM भी जैसे डिफिकल्ट वाले एग्जाम्स थे, अब तो सब कुछ NCERT बेस्ड है सब कुछ। एटलीस्ट बायोलॉजी में तो हमारे जमाने में 15 से 20 क्वेश्चन तो आते थे जो आउट ऑफ टेक्स्ट थे, अभी तो वो भी नहीं है। NTA तो कम्प्लीटली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ना, जो नीट और JEE को कंडक्ट कराती है, वो तो सिर्फ NCERT पे ही चलाते हैं। तो जब आपको इतना इजी करके दिया है गवर्नमेंट में, तो आप इतना उलझ क्यों रहे हो? सिंपल सी बात है, उलझो ना, जितना उलझोगे उतना कंफ्यूज कर लोगे। मेरा भी अगर कोई भाई बहन होता या बच्चा होता, तो मैं उसको वही सजेस्ट करती कि भाई तुझे जो दिया है वो पढ़, जो नहीं है अरे मुझे ये भी चाहिए। मेरे पास भी थे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बहुत सारे बुक्स रखे थे, बट कोई फायदा नहीं आया, तो फिर से यही से। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया, बट मेरा समझाने का ये मतलब है, एक तो बायोलॉजी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत सारी थ्योरी है, ये 22 चैप्टर्स और जो 12th है उसकी 16, ऐसे 38 चैप्टर्स है। यू कैन इमेजिन कि भाई 38 चैप्टर्स का कितना पढ़े हम। तो एज अ टीचर्स हमें पता होता है कि कौन से कॉन्सेप्ट को डिटेल लेके जाना चाहिए, कौन से कॉन्सेप्ट को अभी जहाँ पे हम आगे देखेंगे। सी यही पे देखो, ये थियोरीज जो है ना, ये सिर्फ आपके NCERT में लॉक एंड की थ्योरी के बारे में दिया है, इंड्यूस फिट थ्योरी नहीं दी है, बट इसको यहाँ पे पढ़ाना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सो दैट मीन्स इवन यहाँ पे क्लासिफिकेशन में भी आगे दिखाती हूँ आपको। सी ये जो दिया है ना क्लासिफिकेशन, ये आपके NCERT में है, बट ये क्लासिफिकेशन NCERT में नहीं है। सो वी नो कि कहाँ पे तो डिटेल में लेके जाना है, कहाँ पे डिटेल में लेके जाने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी चीजें क्यों पढ़ना है, क्यों क्यों उलझना है? आगे जैसे आप एक एक लेवल हायर जाते रहोगे, 12th में जाओगे, डिग्री में जाओगे, तो उसको अल्टीमेटली पढ़ ही लोगे। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। एंड जो आने वाला टेस्ट है उसमें थोड़ा अच्छा परफॉर्म करिएगा, पढ़ के आइएगा, सो दैट हमको भी पता चले कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, कितने नहीं है, उस हिसाब से हम आपको सिखा सकेंगे। एंड जब आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा ना, कोई भी इसका ये भरने के लिए, आपके टाइमिंग्स की जो भी अलॉटमेंट चाहिए आपको, क्या कन्वीनियंट है, वो भी ध्यान से भरिएगा, ताकि अगली बार जब आप ज्वाइन करोगे उसी बैच से ज्वाइन करोगे। अभी ये वाला 4 to 5 आपका बैच तो सॉर्टेड है, आप लोग सही से आ जाते हो, बट आपके फ्रेंड्स जो है, फिर बाकी के बच्चे जो, वो नहीं आ रहे, मे बी टाइम इश्यू या कोचिंग इश्यू जैसे आप बता रहे हो सोनिया। तो जब ये फॉर्म जाएगा, मेक देम यू अंडरस्टैंड, बताओ ठीक से, अपना जो भी अवेलेबल स्लॉट है सिलेक्ट करो। सी जैसा आप स्लॉट सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से टीचर आपको सिखा रहा है। बहुत बार भी ऐसा हो रहा है कि टीचर अगर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो उसके जगह पे कोई ना कोई अवेलेबल रहता है और वो आपको सिखा देता है। सो वी आर मेकिंग श्योर कि आपका कोई भी दिन वेस्ट ना जाए। सो वी आर ऑल्सो पुटिंग एफर्ट, तो आप भी थोड़ा सा एफर्ट डाल दीजिएगा एंड मेक श्योर यू अटेम्प्ट द टेस्ट। एंड टेस्ट का आपको ओरिएंटेशन में बताया है ना, लिंक भेजा जाएगा बाय मेल और बाय व्हाट्सएप। लिंक जो है पूरे दिन खुले रहेंगे बच्चे, सुबह 9 से शाम के 7 बजे तक। तो यू कैन अटेम्प्ट द टेस्ट एनी टाइम, 2 घंटे का टेस्ट है, तो कहीं भी आपको 2 घंटे फ्री मिलते हैं कहीं पे भी, तो अटेम्प्ट करिएगा। लिंक को एक बार खुल गया तो टाइमर चल जाएगा, टाइमर पर इमिडिएटली स्टार्ट अप। तो आपने अगर देख लिया खोल के कि मुझे देखना है क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं हो सकता है, जैसे लिंक को प्रेस करते हो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड कहीं पे भी अगर नेटवर्क एरर आ गया हो, बट तब अगर आप फोन भी वगैरह स्विच करते हो ना, तो आपका पीछे टाइमर चलता रहता है, इसलिए टेक केयर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन लूज ना हो। क्योंकि एक बार लिंक पे ज्वाइन कर लिए, मान लो कुछ टेक्निकल एरर आ गया, कुछ हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, नहीं चल रहा है, एंड आप अगर दूसरे फोन से सेम आईडी से लॉग इन करोगे, लॉग इन हो जाएगा, आंसर्स तो हो रहे, आपका जो भी पहले दिया है वो तो सही से वहीं पे रहेगा, आपको फिर से री आंसर करने की जरूरत नहीं है, वहीं पे सब कुछ सेव हो जाएगा, बस आपका टाइम चला जाएगा। इसलिए आप देखो, कोशिश करो कि कोई भी टेक्निकल एरर ना आए, ठीक है। सो दिस इज दीज आर द फ्यू पॉइंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड एमसीक्यू है, नेगेटिव मार्किंग है, आपको इमिडिएटली उसका रिजल्ट्स भी मिलने वाला है। तो रिजल्ट अच्छा है बुरा है ये यहाँ पे मायने नहीं रखता,
आप लोग कितने अच्छे अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर हो ये मायने रखता है। जैसे इस वाला बैच अगर मैं देख रही हूँ आपका 4 से 5 बैच, आई गेस यू ऑल आर वेरी गुड विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, लेट्स सी हाउ यू परफॉर्म। ठीक है, अभी इस थियोरीज को देखते हैं, देन विल स्टॉप। थियोरीज ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन मतलब क्या? अच्छा, यहाँ तक तो जो भी मैंने बड़बड़ की वो सब समझ में आया? एग्जाम्स के बारे में कुछ डिफिकल्टी है, कुछ पूछना है? क्योंकि अभी हम मिलेंगे नहीं ना, डायरेक्टली एग्जाम के बाद ही मिलेंगे। नथिंग क्लियर? ठीक है। तो थ्योरीज ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन मतलब क्या? बहुत साइंटिस्ट लोगों ने ना एंजाइम्स का स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने के लिए उसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो डिस्कवर करने की कोशिश कर दी। जैसे देखो ना, यहाँ पे डायग्राम में भी दिया है, की दिया है और लॉक। मैंने सेम एग्जांपल दिया था ताले का और चाबी का। वैसे हर चाबी से अगर हर ताला नहीं खुलता है, उसी तरह हर सब्जेक्ट हर एंजाइम को नहीं पकड़ सकता है। तो ये दी थी एमिल फिशर इन्होंने। नाउ सी, ये साइंटिस्ट का नाम आपको बुक में नहीं मिलेगा, बट इसको हमने डाला है क्योंकि यहाँ से अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो एमएल फिशर इन्होंने लॉक एंड की थ्योरी या लॉक एंड की हाइपोथेसिस करके एक थ्योरी दी थी एंजाइम्स के रिएक्शंस के बारे में, कि कैसा एंजाइम जो है वो बिहेव करता है। उन्होंने क्या कहा था कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है एंड जो शेप होता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का, वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे यहाँ पे देखो, इस सबस्ट्रेट का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है एंड यहाँ पे उसके जैसा ही उसका एक्टिव साइट है। अगर ऐसा सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर है और मैंने ऐसा एक्टिव साइट डाल दिया तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ऐसे वाले सबस्ट्रेट को ऐसा वाला एक्टिव साइट ही चाहिए। तो यही चीज कही थी एमिल फिशर इन्होंने कि जब ऐसा उनका कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट हो जाएगा, एक दूसरे से सही में स्ट्रक्चर में जुड़ जाएंगे, तभी क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, एंजाइम के अंदर बैठ सकेगा, जैसे की बैठती है लॉक के अंदर, एंड तभी रिएक्शन जो है वो चलेगी आगे। मतलब ई एस कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर ई पी कॉम्प्लेक्स एंड प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती है। तो कोई भी एक्स वाई जेड एंजाइम पे अगर एक्स एंजाइम का सब्स्ट्रेट था ए, ए के जगह पे बाय मिस्टेक आ गया बी, मतलब ए का एक्टिव साइट ये है एंड ऐसा वाला कुछ सबस्ट्रेट आ गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं करेंगे, छोड़ जाएंगे एक दूसरे को, ये फ्री कर देंगे फिर से एंड देन अपने अपने रेस्पेक्टिव एंजाइम एंड सबस्ट्रेट को ढूंढेंगे। तो इसको कहा था कि जैसे की बैठती है किसी भी लॉक में, लॉक एंड की थ्योरी। बट ना इसको पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं किया गया था एंड तब जाके ना और एक थ्योरी दी थी कॉशलैंड इन्होंने। इसको कहा है इंड्यूस फिट थ्योरी। इंड्यूस फिट मतलब क्या? बैठने के बाद किसी चीज को इंड्यूस करना। मतलब यहाँ पे क्या कहा उन्होंने कि अकॉर्डिंग टू दिस, थोड़ा सा जो एंजाइम में एक्टिव साइट होता है ना, वो फ्लेक्सिबल होता है। जैसे ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल ले ले हम, ये है एंजाइम, ठीक है, आप देख रहे हो इसकी एक्टिव साइट को ऐसा एंड सबस्ट्रेट साइट है कुछ ऐसा स्क्वायर जैसा। अब क्या करेगा, जब ये सबस्ट्रेट इसके पास आएगा, ये थोड़ा सा ही स्लाइट डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं इन दोनों के स्ट्रक्चर में, तो जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ गए, कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आया एंजाइम में एंड उसने खुद को ऐसा बदल दिया, तब जाके सबस्ट्रेट वहां पे फिट हो गया सही तरीके से एंड प्रोडक्ट बन गया। तब एक चीज क्या ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा वाला एक्टिव साइट है तो कुछ यहां तक उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होना एक्सेप्टेबल है। अब ऐसा साइट है एंड आप कुछ ऐसा वाला अगर ट्राइंगल वाला सब्सट्रेट लेके आ रहे हो, तो ये बहुत ही दूर दूर से कनेक्टेड नहीं है। जैसा अगर मेरे कपड़े का साइज एल है तो मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सेल पहन सकती हूँ। मीडियम मतलब बहुत ही छोटा हो जाएगा, डबल एक्सेल मतलब बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो एक साइज पीछे इस आगे पीछे इज फाइन, टू मच डिफरेंस इज नॉट फाइन। तो इंड्यूस फिट में कॉशलैंड इन्होंने क्या कहा कि जब सबस्ट्रेट उसके पास आता है, यहाँ पे तो डायग्रामेटिक व्यू से दिया है, बट जब थ्योरेटिकल में, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनता है, एमसीक्यू ही बनता है, बट अगर ऐसा सेंटेंस दिया है कि क्या होता है, एंजाइम का एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आते ही थोड़ा सा खुद को बदलेगा, ताकि
ताकि वो बहुत अच्छी तरह से सब्सट्रेट को पकड़ सके एंड उसमें रिएक्शन को आगे लेके जा सके। मतलब कुछ कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, चेंजेस आते हैं एक्टिव साइट में, ताकि आगे जो है वो ES कॉम्प्लेक्स अच्छे से बने। तो इसको ज्यादा एक्सेप्ट किया गया था, क्यों किया गया था, क्योंकि एंजाइम क्या है, फ्लेक्सिबल है, प्रोटीनियस है नेचर में, तो थोड़ा बहुत वो हिल सकता है, ऐसा स्टिफ रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, रिजिड स्ट्रक्चर एंजाइम नहीं है, फ्लेक्सिबल है। तो इसको ज्यादा अभी तक मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी है, मानी गई है अब तक। ठीक है, थ्योरीज तक क्लियर, इसके आगे जो है वो बाद में करेंगे हम अगली वाली क्लास में, कि बहुत कुछ हो जाएगा फिर। बट देन इज एवरीथिंग क्लियर टिल हियर, एनीथिंग एनीवेयर एनी डाउट? अब आप क्या करोगे पता है, अगली क्लास में आप NCERT से यहां तक पूरा पढ़ के ही आओगे, वरना क्लास मत आओ, सिर से बता रही हो आप, मुझे गुस्सा आ जाएगा, यू विल डिसअपॉइंट मी। मेक श्योर यू रीड एंड कम एटलीस्ट वंस, क्योंकि चैप्टर खत्म हो रहा है अगले क्लास में, तो जब तक पढ़ के नहीं आओगे आपको डाउट नहीं समझेंगे, फिर बाद में जब यूनिट टेस्ट आता है आपका, तब आपको होश आता है कि अरे मुझे ये पढ़ना है, तब मैम ये चैप्टर रिवाइज करा दो। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, हमें और 13 चैप्टर्स करवाने हैं, तो अभी ही पढ़ो, अभी डाउट्स क्लियर करो, फिर आगे बढ़ो, ताकि बाद में सिर्फ एक बार आप एक झलक मार के भी चले जाओगे ना, तो याद रहता है, ट्रस्ट मी, ब्रेन इतना आपका होशियार है, इट विल कैप्चर, डोंट वरी। यस, ऑल क्लियर, फाइन देन। तो मैं यहाँ तक रोक दू, चलेगा? जो नेक्स्ट हाफ पार्ट है, थोड़ा सा फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम्स है, को फैक्टर्स के बारे में है, एंड एंजाइम का क्लासिफिकेशन, तीन चीजें है जो अगली क्लास में खत्म हो जाएगी। ओके, एनीथिंग एनी डाउट टिल हियर? नो डाउट, पढ़ के आओगे सब लोग, आपका इसके पहले तक DNA स्ट्रक्चर तक मैंने नोट्स डाले थे ना ग्रुप में, है ना? किसने खोल के देखा, सच्ची सच्ची बताना, आज ही लोग हैं, 2 3 4 5 6। रीसेंट द नोट्स, अभी होश आ गया है सोनिया मैम को। अच्छा, मैं नोट्स अगली वाली क्लास के बाद भेज दूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा लास्ट ही बाकी है। आपके ग्रुप में है सोनिया? यू आर फ्रॉम विच ग्रुप बताओ बच्चों, जल्दी। 4950 ना, तो मतलब ये दोनों ग्रुप से आए हो आप, आपको दिखा देती हूँ कब भेजा था, मैंने भेजा था या रिचा मैम ने? हाँ, सी बॉन्ड्स एंड डीएनए तक भेजा है, 15 नवंबर को भेजा है, सी आई एम लुकिंग इन दिस, 15 नवंबर को। मैं फिर से हाईलाइट करके दिखा देती हूँ, अभी कौन से ग्रुप में हो आप सोनिया, विच ग्रुप यू आर इन, क्विकली टेल मी। ओके, 15 नवंबर के चैट पे जाओ, नहीं है क्या, सबको डिलीट कर दिया? अच्छा, आगे आके देखो, एंजाइम आधा हो गया ना बच्चे, एंजाइम को थोड़ा क्लास में पूरा कर देते हैं, एंड देन पूरा फिर बायोमोलिक्यूल का एक साथ आपके पास आ जाएगा, फुल चैप्टर हो रहा है, थोड़ा अपलोड हो रहा है। ठीक है, ओके देन, We'll meet you in the next class. Next class would be the concluding class for the biomolecules chapter. आपके बाकी के फ्रेंड्स को काइंडली बताइएगा कि डू नॉट मिस इट, क्योंकि डाउट्स भी हम उसी क्लास में लेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। ओके, अंटिल देन, बाय बाय। अगर